हेलो व्हाट्सअप बडीज, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास का चैप्टर 7 एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन 7। सो लेट्स स्टार्टेड। क्वेश्चन 7 है, निकिता कैन टाइप 1080 वर्ड्स इन 6 मिनट्स, हाउ मेनी वर्ड्स कैन शी टाइप इन 8 मिनट्स। कह रहा है 6 मिनट्स में 1080 वर्ड्स लिख सकती है निकिता, तो 8 मिनट्स में कितने लिखेगी। तो ऐसे क्वेश्चन है ना, जितने भी हमने अभी तक क्वेश्चन किए सब में क्या करना होता है, अगर 8 मिनट्स हैं तो देखो सबसे पहले इसमें 1 मिनट्स का निकाल लो। 1 मिनट्स का निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 6 से डिवाइड। तो 1080 वर्ड्स को 6 से डिवाइड करो। 6 × 6 = 48 180 वर्ड्स, यानी कि 1 मिनट्स में निकिता कितने वर्ड्स लिख सकती है, 180 वर्ड्स। तो अब देखो 1 मिनट्स को 8 मिनट्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसे 8 से मल्टीप्लाई, तो 8 से मल्टीप्लाई कर दो इसे, इंटू एट बोथ साइड। तो 8 मिनट्स में कितना लिख लेगी निकिता, वो हो जाएगा 800 180 को 8 से मल्टीप्लाई करो। देखो 0 × 0 = 64 4 × 6 = 8 8 × 4 = 14 तो ये हो गया 1440 वर्ड्स। इतने वर्ड्स निकिता लिख लेगी 8 मिनट्स में। अब क्वेश्चन 8 है, इफ़ अ डिपॉजिट ऑफ रुपी 4000 यील्ड एंड एन इन्वेस्टमेंट ऑफ रुपी 560 इन 2 ईयर्स, हाउ मच इंटरेस्ट वुड अ डिपॉजिटर ऑफ 5000 यील्ड इन द सेम पीरियड ऑफ टाइम। हमें कह रहा है एक इंसान ने ना 4000 रुपये जमा किए, उसे इंटरेस्ट मिला 2 साल में 560 रुपये का। अगर कोई दूसरा इंसान 5000 जमा करता है 2 साल में, तो उसे कितना परसेंट इंटरेस्ट मिलेगा, मतलब कितना इंटरेस्ट मिलेगा, कितना अमाउंट। तो इसमें देखो इंटरेस्ट वाला भी फॉर्मूला लगा सकते हो, वरना सबसे हम तो इजी वाले फॉर्मूले पे ही जाते हैं। तो सबसे पहले देखो 4000 यील्ड पे हमें कितना मिला, रुपी 560 इंटरेस्ट। तो इस साइड वाला देखो इंटरेस्ट का है, इस साइड वाला जो अमाउंट हमने लगाया वो है। तो अगर 4000 में 560 मिला, तो 1000 सबसे पहले हम 1000 का निकाल लेते हैं, एक्चुअली 1 का भी निकाल सकते हैं, पर चलो 1 का ही निकाल लेते हैं। तो 1 रुपी अगर कोई लगाएगा तो कितने इन्वेस्टमेंट मिलेंगे, तो 1 के लिए यानी कि इसे किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 560 को 4000 से, ठीक है। तो 0 से 0 गया, अब 400 जा और 4 × 1 = 4 × 4 = 16 × 4 = 14 जा। तो 1 यील्ड में कितना मिल रहा है हमें, 14/100 रुपीज़। अगर किसी ने 5000 रुपी लगाया होता, तो इधर 5000 से मल्टीप्लाई कर दो इसे, 5000 × 1 यील्ड इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 14/100 × 5000, है ना। अगर किसी ने 1 रुपये में इतना मिल रहा था, 5000 में कितना मिलेगा, 5000 से मल्टीप्लाई करके देख लो। तो 0 से 0 गया, 0 से 0 अभी कितना हो जाए, 50 × 14, तो 14 × 5 = 70 और ये 0, तो 700। तो यानी कि 5000 यील्ड पे हमें कितना मिलेगा, 700 रुपी। ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन 9 है, अर्पिता परचेज 4 kg शुगर फॉर रुपी 168, हाउ मच डज शी नीड टू पे फॉर 7 kg। हमें कह रहा है 4 kg शुगर के लिए अर्पिता ने पे किया रुपी 168, ठीक है। अब अगर 4 kg के लिए इतना किया, तो 1 kg को फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 4 से डिवाइड। देखो 4 को 4 से डिवाइड करोगे तो 1 kg आया, 1 kg शुगर का क्या हो गया, इस साइड भी 4 से डिवाइड, 168 को 4 से डिवाइड कर दो, 4 × 4 = 16 4 × 2 = 8, तो कितना हो गया, 42 रुपी। यानी कि 1 kg शुगर का प्राइस हो गया 42 रुपीस। अगर हमें 7 किलो का निकालना है, तो इस साइड दोनों साइड 7 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। तो ये 7 kg शुगर हो जाएगा, 7 kg शुगर का कितना हो जाएगा फिर वैल्यू, 42 × 7 = 14 4 × 1 = 7 4 = 28 29, तो 294 ये हमारा आंसर हो गया। यानी कि 7 kg शुगर के लिए हमें कितना पे करना पड़ेगा, 294 ये आंसर। क्वेश्चन 10 है, द लेंथ ऑफ शैडो ऑफ 120 cm हाई पोल इज 102 cm, फाइंड द लेंथ ऑफ शैडो ऑफ 360 cm हाई पोल। हमें कह रहा है एक 120 cm का हाइट का एक पोल है, जिस पे धूप पड़ने पे उसकी शैडो बन रही है 102 cm की। तो अगर वो जो पोल है वो अगर 360 cm का होता, तो उसकी शैडो कितनी होती, तो 120 हाई पोल की कितनी है, 102 cm, तो 1 cm हाई, मतलब ये सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर, तो 1 cm हाई पोल की कितनी होगी, हाई पोल की इसे 120 से डिवाइड कर दो दोनों साइड, तो इसे 120 से डिवाइड कर दिया सेंटीमीटर। हाँ अगर अब मुझे 360 से निकालना है, तो इसे 360 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 360 cm हाई पोल, इधर भी 360 से मल्टीप्लाई किया तो 360 आ गया, इधर मल्टीप्लाई करूँगा तो 102 / 120 × 360 cm। अब 0 से 0 कट गया, 12 × 3 = 36, इसे 3 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 3 × 2 = 6 0 3, तो 3 0
6 सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर हो गया। यानी कि अगर 360 सेंटीमीटर की हाई पोल, अगर पोल की हाइट होगी तो उसकी शैडो, जैसे देखो ये उंगली है, इसकी शैडो देखो उसके पीछे बन रही है हल्की छोटी, ऐसे ही अगर ये 360 सेंटीमीटर की उंगली होती तो उसकी शैडो कितनी बनती, 306 सेंटीमीटर की। नेक्स्ट पार्ट है हाइट ऑफ पोल दैट हैज़ अ शैडो ऑफ 229.5 सेंटीमीटर। अब देखो इसमें जस्ट उल्टा पूछ लिया है, इसमें कह रहा है यही उंगली है बस इसकी शैडो, देखो शैडो का हाइट दे रखा है, अब इस उंगली की हाइट बताओ। तो इसमें जस्ट उल्टा कर देंगे, शैडो इस साइड लिख देंगे, पोल उस साइड, उसमें देखो इधर 120 लिखा था, इधर 102। तो अब इसमें 1 सेंटीमीटर शैडो पे कितना पोल होगा, इसे 102 से मल्टीप्लाई कर दो, 120 को 102 से, हाई पोल से, हाई पोल। अब देखो अब इसे 229.5 सेंटीमीटर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड 229 सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई, 229.5 सेंटीमीटर शैडो की हाइट कितनी होगी, 120 अपॉन 102 इंटू 229.5। अब देखो इसे मल्टीप्लाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई और डिवाइड करके हमारा आएगा ये 270 सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 11 है, द स्केल ऑफ मैप इज 1:30 lakh, इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज ऑन द मैप इज 4.5 सेंटीमीटर देन व्हाट इज द एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन देम। हमें कह रहा है एक सपोज करो ये मैप है, इस पर 1 सेंटीमीटर अगर हम ड्रॉ करते हैं तो एक्चुअल में 1 सेंटीमीटर ना होकर 30 lakh सेंटीमीटर है। हाँ, तो अगर मैंने इस मैप पे ये एक सिटी बना दी और ये एक दो सिटी बना दी और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 4.5 सेंटीमीटर है, तो एक्चुअल में वो कितने सेंटीमीटर होगा। तो देखो 1 सेंटीमीटर का कितना है 30 lakh, ओ सॉरी ऐसे कौन लगता है, ठीक है तो 30 lakh है, तो 4.5 सेंटीमीटर का कितना होगा, 4.5 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड, तो 30 lakh इंटू 4.5 है ना, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4.5, यानी कि पॉइंट से 10 गया, 0 से 0, अब 45 इंटू ये कितना होता है 135, 45 से या 135, तो ये हो गया 1,35,000 है ना, सॉरी 1,35,000, 1,10,000, 10 lakh, 10 lakh crore, तो 1,35,000 ये इसका आंसर हो गया। मैंने कॉमा गलत लगा दिया, ये ऐसे कॉमा लगेगा, ठीक है, 3, 3 और ये, तो एक्चुअली मैं लिख के दिखाता हूँ 13,50 और ये 30, ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। आज की वीडियो से इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और दोस्तों शेयर करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो नीचे दे रेड सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय, स्टे ट्यून्ड।